हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एम्स पटना रिक्रूटमेंट 2021 फॉर सीनियर रेसिडेंट्स। एम्स पटना ने नई रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी है सीनियर रेसिडेंट्स के लिए, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट जॉब अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट पर चलते हैं। पोस्ट पे जाने के लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और या सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए इजी सरकारी नौकरी और पहली लिंक पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे इंडिया टॉप रेटेड जॉब पोर्टल। टीम इंडिया डेली आपके लिए वेबसाइट पे नई रिक्रूटमेंट्स अपलोड करती है। ये काफ़ी भरोसेमंद वेबसाइट भी है। आप यहाँ पे सरकारी नौकरी, बैंक रिक्रूटमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट, सेंट्रल रिक्रूटमेंट, मेडिकल रिक्रूटमेंट जैसे काफ़ी सारे जॉब ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हो। आप प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी नौकरी, पीएससीज, इसी के साथ साथ एजुकेशन वाइज जॉब, स्टेट वाइज जॉब एंड पॉपुलर जॉब जैसे काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशंस भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप इस वेबसाइट को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। आप सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर पे भी इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आपके लिए नई रिक्रूटमेंट्स डेली डाली जाती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी पोस्ट पे। एम्स पटना रिक्रूटमेंट 2021 फॉर सीनियर रेसिडेंट्स। चलिए अब हम इस पोस्ट पे चलते हैं। एम्स पटना रिक्रूटमेंट 2021 फॉर सीनियर रेसिडेंट्स। आप अपने स्क्रीन पे एम्स पटना का लोगो और एम्स का फुल फॉर्म देख सकते हो। एम्स पटना ने नई नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है सीनियर रेसिडेंट्स के लिए, जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ MS, MCH, TNB, एज लिमिट 37 ईयर्स है और पे स्केल एज पर रूल्स दी गई है। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की इंटरव्यू डेट है 19 फरवरी 2021। बाकी की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फीस UR एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 फीस है। वहीं SC, ST, PWD, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है। वैकेंसी चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। टोटल 5 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें UR कैटेगरी कैंडिडेट्स की 3 वैकेंसीज है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स की 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी कैंडिडेट्स की 1 वैकेंसी है और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स की कोई वैकेंसीज स्पेसिफाइड नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपको एप्लीकेशन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देनी है इन फेवर ऑफ एम्स पटना। इंटरव्यू के टाइम आपको ये सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेके जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBBS पास सर्टिफिकेट, MBBS मार्कशीट्स, MBBS अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, MBBS इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, MBBS डिग्री, MS DNB, MCH DNB डिग्री, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम MC स्टेट मेडिकल काउंसिल, NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड। आप एम्स पटना की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। आप सभी कैंडिडेट से गुजारिश है कि एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़े, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मिस ना हो। वही आप एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये रही एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो तो आप हमें टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हो। आप भी आपके लिए नई रिक्रूटमेंट्स डेली डाली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पोस्ट से रिलेटेड सारी ज़रूरी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जय हिंद।